इसे डालेंगे, घर नया बन रहा है तो उसके बाद फिर गेहूँ काट लेंगे और सरसों काटेंगे। तो बहुत अजीब लग रहा है। तो भाई अपनी सरसों भी खंडी जा रही है। अम्मा दो बरिया निकली होगी ना इसमें। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते होंगे सही होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, हर हर महादेव। तो आज हम गांव में हैं और गांव में मुझे लगभग 10 दिन हो गया है। होली पे घर आए थे और यात्रा हम पैदल करने वाले थे केदारनाथ की, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया कि यात्रा अभी नहीं करनी है और गेहूँ पक गए, गेहूँ कटवाओ। तो अभी तो हम गेहूँ काटेंगे, लगभग 20 से 22 दिन हम गेहूँ काटेंगे और यहाँ से हम 1 मई को यहाँ से निकलेंगे और 10 मई को हमारे बाबा का पट खुलने वाले हैं। तो बाबा की तो दर्शन करना ही है, कुछ भी हो जाए, गांव छोड़ देंगे। गेहूं अगर नहीं कटेंगे तो वो भी छोड़ देंगे, लेकिन बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। तो चलो पहले अपना भाई आप काम शुरू करते हैं, जो भी भाई हमारा खेती में काम बचा रहता है। गांव में तो कोई काम ही नहीं होता खेती के अलावा। गेहूं काटो, घुइयां गाड़ो और प्याज खोदो, लहसुन खोदो, मिट्टी डालो, पता नहीं क्या क्या काम होता है गाँव में। चलो आज दिखाते हैं हम क्या क्या गाँव में काम करेंगे। पहला काम है अपना मिट्टी उठाना कि इतने एक तुलाई मिट्टी आई है, इसे डालेंगे, घर नया बन रहा है। तो उसके बाद फिर गेहूँ काट लेंगे और सरसों काटेंगे, वो आपको दिखाएंगे। तो पहले तो ये काम करते हैं कि एक तुलाई मिट्टी आई है इसको डालना है। कहाँ गए भाई, उठा। बहुत यार, एक साल के बाद हमने काम किया ना तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन भाई मैं मेहनत करने वाला हूँ, तो बहुत जल्दी गेहूँ भी काट देता हूँ और मिट्टी भी उठा देता हूँ। देखो भाई बिल्कुल तलाई खड़ी हो गई है बिल्कुल। अभी एक तलाई मिट्टी आई थी, ये एक तलाई की मिट्टी कीमत है लगभग 700 रुपये बता रहे हैं कि एक तलाई 750 की मिट्टी एक डालते हैं ये। और ये यहाँ पे घर अपना बना है, ये देखो अभी यहाँ पे बस तलाई डाली जा रही है। इसके बाद जब ये पड़ जाएगी उसके बाद फिर दोबारा लाएंगे, फिर डालेंगे। भाई अपने खेत में आ गए हैं मिट्टी डाल के और ये देखो पूरा भाई अपना गेहूँ का खेत है, इसे काटना है। और पहले तो इसकी हम सरसों उठाएंगे, जो सरसों हमने काटी थी ना वो सब सूख गई है, तो उसको हम उठाएंगे। तो पहले सरसों उठाएंगे और उठा के फिर हम उसे खनेंगे। ये देखो इतनी यहाँ पे सरसों लगी हुई है, इसके ऊपर डाल के फिर आज मैं सेसर और ट्रैक्टर ला के इसे खनूंगा। और उसके बाद में पहले पूरे खेत की सरसों उठा दें। एंड भाई इतनी सरसों रह गई है, पूरी खेत की मैंने ढोल दी है और खाली इतनी रह गई है, बस ये ढोल देंगे ना, उसके बाद में फिर इसे भाई खनवाएंगे। और एक चक और है वहाँ से भी उठाने जाएंगे। तो आज मेरी सरसों खट पूरी ये भाई खंद जाएगी, उसके बाद फिर हम कल से काटेंगे गेहूँ। और ये देखो भाई हमारे यहाँ मूंगफली भी जम चुकी है, ये देखो। तो भाई अपनी सरसों भी खंदी जा रही है और खंद चुकी है, और आज इतना भाई गंदे हो गए ना, बहुत गंदे हो गए। ये देखो भाई पूरा सरसों खंदा जा रहा है, अभी खंद गया है। भाई देखो अपनी पूरी सरसों खन चुकी है, आज बहुत घर पे काम कराने को पड़ा भाई, बहुत मेहनत हो गई। अम्मा दो बरिया निकली होगी ना इसमें। देखो भाई आज मेहनत बहुत कराई है। तो चलो दोस्तों अब इसको भाई पैकअप करते हैं और फिर ले चलते हैं घर पे। ऐसे पानी आता है, देखो उधर उधर मशीन चल रही है और इधर देखो पानी आ रहा है, और ये बरसीम यानी जो भैंस को खिलाया जाता ना ये बरसीम, और ये देखो भाई कितना अच्छा पानी निकलता है। आप लोग कमेंट में बताओ कि आप लोगों के ऐसे बोरिंग है कि ऊपर से ही पानी निकलता है। ये देखो पास से दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल ही ऐसे बिल्कुल पानी निकलता है। आपके यहाँ बताओ 10 फुट पे निकलता है, 50 फुट पे निकलता है या 200 फुट पे निकलता है, लेकिन हमारे यहाँ पानी भाई 40 फुट पे ये बोरिंग है और देखो ऊपर से पानी चल रहा है। आधा घंटा हो गया चलते हुए, पूरी बरसीम भर चुकी है। एंड गाइस अपनी सरसों खन चुकी है और अभी इसको घर पे लेके जाएंगे, फिर इसको भाई एकदम से साफ करेंगे, उसके बाद में इसे कोलवा पे ले जाएंगे, फिर इसमें से तेल निकलेगा, उसके बाद में फिर ये घर पे यूज होगा।
फाइनली दोस्तों आप लोग कमेंट में बताओ कि ये मेरा गांव का वीडियो कैसा लगा। और ये देखो भाई पूरी सरसों पैक हो चुकी है, अभी मैं इसे घर पे ले जाने वाला हूँ। बाद बाकी मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए हर हर महादेव।